अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। सो फाइनली बैक आ चुके हैं ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि आज से पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर कभी भी लास्ट ऑन फाइट वीडियो अपलोड नहीं की। सो बहुत इंटेंस मोमेंट और काफी ज्यादा खतरनाक लॉबी के साथ साथ भाई की काफी सारी खतरनाक गेम प्ले भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की गेम प्ले में बहुत ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा। सो वीडियो हो सकता है यार थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन भाई आप लोगों को पूरी वॉच करनी है और बहुत मजा करोगे। और फाइनली आप लोगों को पता चले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कहने की वजह से भाई का टॉप 4 कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज्यादा खतरनाक। और लिटरली आप लोग लीड चेकआउट करते चलो तो प्यार पीछे वाले की तो यार सिर्फ और सिर्फ 150 की लीड है, और अभी भी मैंने कुछ ही देर पहले बनाई है। सो वो भी पूरी कोशिश कर रहा है और नीचे से भाई एफटी लीडर भी फुल रीच कर रहा है कि भाई पोजीशन गेन कर सके, लेकिन भाई की पूरी कोशिश रहने वाली है कि यार पोजीशन को होल्ड करूं, बहुत मजा आएगा। और क्योंकि ईद के दिन भी है ना, समझ रहे हो ना, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो भाई लोग, क्योंकि 30K सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने कंप्लीट करने हैं जल्दी जल्दी से। सो एंजॉय गेम प्ले। अब तुम लोग गेम से खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा दलील हुआ है और गेम प्ले इतनी ज्यादा खतरनाक रही थी। और भाई गेम प्ले की लॉबी तुम लोग यार अभी देखते चलो तो यार सर्कल चेकआउट करो और बंदे तुम लोग देखो यार 44 प्लेयर स्टिल अलाइव और जोन कौन से एरिया के अंदर आ चुकी है। और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप में चेकआउट करो कि भाई कितने ज्यादा बंदे फाइट कर रहे हैं, लेकिन भाई भी आप लोगों का इस फाइट के अंदर दोबारा से उतरा है। और फाइनली अब यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारी खतरनाक क्लिप्स यहाँ पर, क्योंकि फाइट ऑलरेडी चल रही थी तो मैंने यहाँ पर गन्स वगैरह उठाई और मैंने भी रेस्ट कर दिया भाई इसके अंदर। और मैंने भी एक बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा नॉक किया, मेरे टीम को नॉक किया, लेकिन मैंने दूसरे को भी यहाँ पर नॉक किया और जो ऑलरेडी नॉक पड़े हुए थे मैंने कहा यार इनको भी जल्दी जल्दी से किल उठा लिए जाए। तो देखो आप लोग खुद ही चेकआउट कर सकते हो कि भाई 4 किल यहीं पर ही भाई के कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के मेरे भी टीममेट को अगर फिनिश कर दिया गया था और ये वाला थोड़ा सा डिसएडवांटेज मेरे साथ था, लेकिन मैंने कहा चलो यार हमारा सर्वाइवर जो कि हमारे साथ मौजूद है वो हमें रिवाइव कर देगा, सो इतना कोई ज्यादा इशू नहीं बनने वाला। तो फिर भी अब देखते देखते हम लोग सिर्फ फाइट करने लगे और इतने में यहाँ पर प्लेयर दोबारा से रिवाइव होते हुए दिखाई दिए और 35 प्लेयर लाइक इस तरीके से दोबारा से रिवाइव हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हम लोग आपस में ट्रीट भी करने वाले हैं और लूट मेरे पास तो काफी अच्छी आ चुकी है। और मैं अपने टीममेट्स को भी यही कह रहा था कि यार लूट यहाँ से कर लो भाई, यहाँ पर लूट बहुत अच्छी थी। और इतना ही बंदा मुझे नजर आया, मैंने अभी फेक को काफी अभी वाला स्प्रे किया इसके ऊपर और वो बेचारा पार पार की वजह से बस दलील हो गया काफी बुरे तरीके से। और यहाँ पर अब मॉन्स्टर ट्रक भी नीचे घूम फिर रहा है और बंदे आपस में रिवाइव कर रहे हैं। अब मेरे टीममेट्स पे यहाँ पर रश कर दिया, एक एक मैंने यहाँ पर काफी अभी वाले शॉट मैंने खेले और अब मैंने यहाँ पर कहा मेरे पास चिप आ चुकी है, ट्रिपल चिप करते हैं जल्दी जल्दी से। और अब यहाँ पर इनके साथ फाइट पहले करूँ तो अगर एक ही है तो मैं पकड़ लूंगा, फिर इतना ज्यादा मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर तो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। ओए भाई लॉन्चर कर रहा है कहीं, कौन सा वाला लॉन्चर है इसके पास, M79 ना हो यार दिमाग खराब हो जाएगा, वो काम खराब करता है बहुत ज्यादा, बहुत गंदे वाला काम खराब करता है भाई। एक ही लगा मैं नॉक हो जाऊंगा। सो मैंने यहाँ पर पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि यार बंदे यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा था कि यार एक से ज्यादा ही है, क्योंकि एक के पास लॉन्चर भी है। अब लॉन्चर यहाँ पर काम खराब करेगा, मेरे टीममेट्स दोबारा से हवा में उतरते दिखाई दे रहे, मैंने उन दो बंदों को देखा जो उतर के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने स्टार का स्प्रे कर दिया काफी हैवी वाला और उसको फौरन से नॉक किया मैंने। मैंने कहा यार अब इस टाइम पे क्योंकि उनको भी जोन का डिसएडवांटेज है और जोन के अंदर डैमेज पड़ा हुआ है, तो भाई मेरे पास एडवांटेज है कि मैं जोन के अंदर बैठा हुआ, तो मैंने यहाँ पर जल्दी से उसको पकड़ा यहाँ पर। सो नॉक कर दिया और पीछे से यहाँ पर व्हीकल जो कि घूम फिर रही है, मैं पत्थर पे भाई फौरन से आ गया और ये बंदा जो कि रिवाइव करने के लिए पहुंचा जरूर है। मैंने आर्मर की एबिलिटी लगाई लेकिन यार वो कहीं ना कहीं बच गया और मेरे पीछे एक और गाड़ी आती हुई दिखाई देगी तुम लोगों को, एकदम से मेरे पास लैंड हुआ, मेरे स्कॉर्पियो को घूम कर बस तुक्के से ही एम लगाया और भाई वो भी रेड लगा बहुत बुरे तरीके से। अब यहाँ पर फेस करते हैं अगर M5 और स्कॉर दोनों में से मुझे कुछ नहीं समझ लग रही थी कि यार मैं कौन सी गन चला रहा हूँ, बस मुझे ये था कि मैंने इस बंदे को भागने नहीं देना क्योंकि गाड़ी लेकर भाग रहा था। तो यहाँ पर इसको मैंने फौरन से पकड़ा और स्कॉर स्विच की, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एमओ को जो कि खत्म होती दिखाई देती स्कॉर की, तो मैंने यहाँ पर आके लूट वगैरह की, एमओ की। तुम लोग भी सोच रहे हो कि ड्रैगो भाई आज क्या कर रहे हो, मोस्ट इंटेंस मोमेंट चल रही है भाई। मैं खुद तुम लोगों को बता नहीं सकता कि भाई जब मैंने गेम प्ले की थी ना उस वक्त भाई बहुत गंदे वाला सिचुएशन थी, लड़के खुद यार सोच रहे थे कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है भाई, हर तरफ से हमें पड़ रही है। आप यहाँ पर ये जब बता बैठा हुआ था
इस पे मैं एम लाने की फुल ट्राई कर रहा था, पूरी देर पे एम देर था, यहाँ पर इसको रेड कवर कराया, लेकिन यहाँ पर ऊपर से प्रिंस ने काफी अच्छा कवर दिया, मुझे यहाँ पर टॉक कर दिया जबरदस्त। और इसी के साथ मैंने अपने टीममेट्स को यहाँ पर जो कि ट्रीट वगैरह किया, मैंने यहाँ पर क्लोज जाने का सोचा, और वो बंदा जो कि सामने ग्लूवाल के पीछे खड़ा हुआ है तो उसको भी यहाँ पर पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है और क्या पता वो नहीं फिनिश हो गया, ओके हो गया, उसकी तरफ जाएंगे जल्दी जल्दी से, जो कि बंदा इधर टावर के अंदर बैठा हुआ है और वो प्रिंस के साथ गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने कहा यार इसको पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से। अब यहाँ पर ये देखो, इस पे एम लेने की मैं काफी ट्राई करता हूँ, लेकिन यार वो बंदा बिल्कुल मुंडी दिखाने को राजी ही नहीं था यहाँ पर। अब टॉप टेन बंदे यहाँ पर बचे हैं हमारे पास, और भाई देखते देखते तुम लोग खुद चेकआउट कर सकते हो भाई, इतनी इंटेंस मोमेंट जो कि बहुत कम मैचेस में देखने को मिलती है हम लोगों को खुद भी यार, लेकिन यार एक अलग ही लेवल था। अब यहाँ पर नीचे ही बंदा था, लेकिन मैंने नीचे वाले को इग्नोर किया, अब यहाँ पर इस वाले बंदे को क्योंकि इसने हमें देखा हुआ था तो इसकी तरफ हमारा जाना बहुत जरूरी था, तो अब मैंने कहा यार इसको जल्दी जल्दी से जाकर पकड़ते हैं, मेरे पास MP5 है और उसके पास भी लाइक कोई अच्छी गन ही होगी, तो अब यहाँ पर इसको पकड़ते हैं। हम जाना आया 40 थी और वाइप आउट, क्योंकि सारे ही बंदे अलग अलग फिर रहे, मतलब कि टॉप 11 है बस भाई, टॉप 7-6 पर चल ही रहा है। ओए इसको यार अनएक्सपेक्टेड लगे लिटिल यार, मैं खुद सोच रहा था वो आई थिंक अपने टीममेट को ना रिवाइव कर रहा था बैठा हुआ, तो इसको यहाँ पर लगे फाइनली। अब यहाँ पर हमारे अलावा जो कि 3 बंदे और बचे हैं और पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि एलिमिनेशन ही बंदे हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एबिलिटी यूज की है, मैंने कहा यहाँ पर मैंने बंदे को देखा था, लेकिन यहाँ पर बंदा कोई भी नहीं था, और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर आखिरी बंदा जो कि इन्हीं की तरफ है, और वो देखो वो मुझे हिट कर रहा है, ओके लग गया उस प्रिंस को ले गया भाई, बंदा खेलने वाला है, हार पार मैंने लगाई और वाइप आउट। यहाँ तक मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब वीडियो यहाँ पर तक 6 मिनट की हुई है, मुझे यहाँ पर आइडिया लगा रहा था, सोच रहा था, थोड़ा सा दिमाग में जोर डाला था कि भाई मैंने 8 मिनट की वीडियो ये कैसे करनी है, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार मेरे पास एक और गेम प्ले भी रिकॉर्ड पड़ी है, तो अब उसको आगे 2 मिनट के लिए लगाता हूँ, तो वीडियो को यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना, अब इसका पार्ट 2 भी जल्दी से देखो और एंजॉय करके जाना पूरा। अब तुम लोग देख सकते हो कि मैंने इसके 2 बंदे नीचे फेंक दिए उस बेचारों को, और बहुत गंदे वाले जला दी है। अब यहाँ पर मेरे पास एबिलिटी का एडवांटेज है, तो मैंने यहाँ पर एबिलिटी लगाई और आसपास को यहाँ पर नॉक कर दिया बेचारा, ये भी बेचारा सोच रहा होगा कि यार वो क्या है, और उन 2 बंदों को ढूंढ रहा था कि यार जिनको मैंने टक्कर मारी गाड़ी से, और वो बेचारे तो बिल्कुल नजर ही नहीं आई मुझे, पता नहीं किधर गायब हो गए एकदम से। और यहाँ पर 4 किल मेरे इस गेम के अंदर देखने को मिल रहे थे, और पीछे से यहाँ पर SKS वाला जो कि मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक के बाद भी प्लाज्मा एक्स है, जो कि आप लोगों को याद होगा कि यार पुराने प्लेयर्स को जब प्लाज्मा एक्स जो प्लाज्मा पहले आई थी और वो तो एक अलग नेक्स्ट लेवल देती थी, लेकिन यार ये भी काफी अच्छा डैमेज कराती है, कभी कभार हर दफा नहीं कराती, तो उनके पास लेवल वेस्ट अच्छी ना हो, तो ये देखो चेक कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर फाइनली यहाँ पर काफी हैवी वाला डैमेज करा दिया और 2 हेडशॉट लग गए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरे बंदे को मैंने इनके पकड़ लिया, अब यहाँ पर गाड़ी वाला जो कि काफी तेजी के साथ आ रहा था, मैं यहाँ पर बचने की कोशिश की, लेकिन यार मुझे टक्कर पता नहीं कैसे लग गई, मुझे खुद नहीं समझ लगी यार। और ट्रोगर वाला ये देखो मेरी तरफ रश करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसका पीछे दूसरा टीममेट भी उसकी तरफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर फॉलो सर्कल बनाया और यहाँ पर अपनी HP कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि दोनों बंदे जो कि मेरे पास अंदर रश करने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन देखते हैं भाई आप लोगों का इससे हार मानता या नहीं। मेरे पास यहाँ पर P90 है, उसके पास ट्रोगर है, तो ट्रोगर वर्सेस P90 यहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत मजा आएगा, लेकिन भाई के पास P90 बहुत हैवी चलती है और इस बेचारे को ये नहीं पता था, तो यहाँ पर मैंने फौरन से फिनिश किया। और दूसरा बंदा जो कि मेरे पास रश करने का पहले सोचता है, लेकिन वो बेचारा रुक गया, देखो बॉड वॉक किए जा रहा क्यों, क्योंकि वो चाह रहा कि मैं उसको सामने निकलूं और वो मुझे हेड करा दे। आप लोगों को पता होगा कि अक्सर प्लेयर इस तरीके से कोशिश करते हैं कि यार भाई ये पहले फायर दूसरा बंदा दे दे ताकि मैं उसको ओनली हेड करा सकूं, समझ रहे इसकी एडवांटेज, और वो बेचारा उसको कुछ समझ नहीं लगी यार उस बेचारे के साथ हुआ क्या, और मैंने यहाँ पर रिमोट फनी वाला करना स्टार्ट कर दिया और ऊपर से मुझे भी आराम स्टार्ट हो गए, और इसी के साथ यहाँ पर इनको मैंने स्क्वाड वाइप आउट कर दिया। भाई लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।